कंडीशनल है जिसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या होता है? रिफर्स टू ए पास्ट सिचुएशन, एक पास्ट सिचुएशन को रिफर करता है, रिफर्स टू ए पास्ट सिचुएशन दैट डिफर्स, जो डिफर करती है, दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से डिफर करती है, मतलब ये रियलिटी में नहीं होता। हमारा रूल है, हम वापस लेते हैं कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट। इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं इफ, वही इफ वाला पहले वाला, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इफ प्लस पास्ट परफेक्ट देन पास्ट परफेक्ट और फिर होगी वुड प्लस वुड में माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है वुड, लेकिन ये बेसिक होता है, मतलब वुड प्लस इंफिनिटिव मतलब वर्किंग फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ आई हैड सेव्ड माय मनी, अगर मैंने अपनी मनी बचाई होती, इफ आई हैड सेव्ड माय मनी I would have bought a car. मैं कार खरीद लेता। इसमें होगा would plus infinity. I would have bought a car. मैं कार खरीद लेता। या फिर इसको ऐसे लिख सकते, I would have bought a car if I had saved my money. इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, if I had studied, अगर मैं पढ़ा होता, if I had studied, I would have passed my exam. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I would have passed my exam if I had studied. अब हम लेते हैं मिक्स्ड कंडीशनल, साथ साथ लिखते जाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है। फाइव तो है मिक्स कंडीशनल, मिक्स कंडीशनल ये क्या होता है, मिक्स कंडीशनल इसमें डायरेक्ट रूल पढ़ेंगे हम। मिक्स कंडीशनल में क्या होता है गाइस, इफ
प्लस हमने पढ़ा था ना सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल ए प्लस सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल होगा कंडीशन में एंड रिजल्ट में होगा ए प्लस सेकंड कंडीशनल एंड देन वी यूज करेंगे प्लस एंड थर्ड कंडीशनल, इसमें होगा थर्ड कंडीशनल इसमें होगा थर्ड कंडीशनल या फिर होगा इफ थर्ड कंडीशनल ए प्लस थर्ड कंडीशनल होगा देन हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशनल तो ये ऐसा रूल है इसका क्या होगा अगला सेकंड कंडीशनल क्या होता है इफ प्लस पास सिंपल, पास सिंपल होगा पास सिंपल प्लस पास सिंपल होगा और यहां पर होगा वुड हैव, वुड हैव प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी इसमें होगा इफ प्लस पास परफेक्ट, पास परफेक्ट इसमें होगा वुड हैव प्लस पास पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं पास पार्टिसिपल में कौन सा रूल था, मैं इसका लिख भी दिया मैंने। अब हमें सेंटेंस देते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस देखने तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। इफ आई वरंट, यदि मैं नहीं होता, इफ आई वरंट सो ब्यूजी, अगर मैं इतना ब्यूजी नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन, मैं जा चुका होता ऑन हॉलीडे, मैं हॉलीडे पर जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन ऑन हॉलीडे। तो लास्ट वीक, लास्ट वीक में हॉलीडे पर जा चुका होता लास्ट वीक। तो इसमें पहला कौन सा, ये सेकंड कंडीशनल है ये भाई वर्ण, वर्ण में कौन सा है इफ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्या है पहला कौन सा था सेकंड कंडीशनल, ये है सेकंड कंडीशनल, कंडीशनल ये सेकंड कंडीशनल, ये है थर्ड कंडीशनल, पूरे सेंटेंस थर्ड कंडीशनल जो ये मिक्स में आता है, क्या इसमें मिक्स में आता है। दूसरा सेंटेंस देते हैं इफ आई हैड बीन बॉर्न इन द यूके, अगर मैं यूके में बॉर्न होता, यूके में पैदा होता, आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता, आई वुड हैव इंग्लिश, आई वुड हैव स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाता वेरी वेल। तो इसमें क्या है had been मतलब कि if plus third condition, third condition मतलब क्या if plus past perfect, past perfect वह है had been born।